अब तक आपने देखा। सुल्ताना चलिए यहाँ से, वो देखिए मिर्जा अकेला नहीं आया है। इसकी बात मत मानना, इस पे यकीन मत कीजिएगा। मोहतरमा इसके साथ मत जाइएगा। अगर आज मिर्जा वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। अब आगे सुल्ताना, सियासती मामलों में जज्बात से नहीं बल्कि अकल से फैसला लेना ज्यादा मुनासिब होता है। आप एक बार जज्बाती होकर धोखा खा चुकी हैं, ये गलती आप दोबारा मत करना। शायद आप ठीक कह रहे हैं याकूत, हम जज्बाती होकर मिर्जा को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान अब हमारे मकसद पर होना चाहिए। सही समझा आपने सुल्तान, पर अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। सच कहूं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर में अंदरूनी चोट आई है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वैसे हम सुल्तान मिर्जा को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग थोड़े पहले हम तक पहुंच जाते तो ये दवाइयां असर कर जाती। 24 घंटे तक इनकी जान को खतरा है, इन्हें निगरानी में रखना होगा। वैसे एक बात कहें, दवाओं में जितना असर नहीं होता उतना दुआओं में होता है। आज की रात इन पर बहुत भारी। अब देख क्या रहे, चाहिए जाकर मौलवी जी को बुलाइए और उन्हें दुआ करने के लिए बोलिए। आप किसी और के बारे में सोचें, ये हमें गवारा नहीं सुल्ताना। आप सिर्फ हमारी हम भी अपने दोस्त की खातिर खुदा से जोली फैलाए अपने दोस्त की जान की भीख मांगेंगे। बस उनकी रहमत पर भरोसा है। या मौला नजरे करम करे, मेरे दोस्त की जान बख्श दे। मिर्जा कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा मिर्जा। हम हैं ना, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। मिर्जा हौसला रखिए। मिर्जा आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मिर्जा हमारे सारे ख्वाब अभी अधूरे हैं, हमें उन्हें पूरा करना है ना, हमें उनको जीना है। मिर्जा वो याद है ना आपको, मिर्जा हमारा सपनों का घर, हमारे नन्हे नन्हे फरिश्ते, एक शहजादा और एक शहजादी जिनके साथ हम पूरा दिन झूले पे बैठेंगे और आपको बागबानी करते देखेंगे।
फूल पत्तियों से बातें करते हुए देखेंगे। वो गुलाबी पर्दों वाला कमरा याद है मिर्ज़ा? हमारा आशियाना। हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। आपको फिरोजी पर्दे लगवाने थे ना, आप फिरोजी पर्दे लगवा लीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, मिर्ज़ा पर ठीक हो जाएंगे। मिर्ज़ा हमें सारे ख्वाब जीने हैं। मिर्ज़ा ठीक हो जाइए। मोहतरमा, मोहतरमा, हाँ। मोहतरमा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, आप कुछ मत कहिए। हम आपके दिल की बात समझते हैं मिर्ज़ा। आप बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अब कुछ मत कहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। वक्त में भी कैसा सितम किया है मातम। जो कुछ भी हुआ कभी सोचा भी ना था। जिंदगी ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर देगी। मौत तो एक दिन सबको आनी है, पर गिला इस बात का है कि जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। मोहतरमा, मिर्ज़ा, मिर्ज़ा, मोहतरमा, मिर्ज़ा, मोहतरमा, मिर्ज़ा, मोहतरमा, मिर्ज़ा, 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 सुल्ताना, 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 घबराइए मत, सब कुछ ठीक। शायद आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बेहतर महसूस कर रही होंगी ना सुल्ताना? ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया आपने जो आप परेशान हो उठी? कुछ नहीं अकुत, वो बस एक ख्वाब था जिसने हमें डरा दिया। हम कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं। हमारा दिल थोड़ा हल्का होगा। शाहों और हुक्मरानों से सुना है कि ये कंगन गजनी की मल्लिका के हाथों की शान हुआ करते थे। इसमें लगे हीरे 40 कारीगरों ने 3 साल में तराशे थे। जब सुल्तान अल्तमश ने ये हमें दिए थे तो कहा था कि ये उनके खजाने के बेशकीमती कड़े हैं, जिसके भी हाथ लग जाएं, उसकी 7 पुश्ते सवर जाएं। रे रे अम्मी, ये इतना खास, इतना कीमती गहना है तो ये किसी और को देने की क्या जरूरत है?
ऐसा नया तोहफा तो हमारे पास होना चाहिए अम्मी। लाइए इसे हमें दे दीजिए। ठहरिए। अरे मियाँ आपके लिए तो हम जमाने भर की दौलत लुटा देंगे, लेकिन इस काल कोठरी में एक कंगन सिर्फ हथकड़ियों का काम करेंगे। क्या करेंगे हम इसका? यह हमारे कफन को सिर्फ चार चांद लगाने में काम आएगा। सोच लीजिए मियाँ, ये कंगन तुम्हारे हो सकते हैं, बस हमें इस कैद से रिहा करो और ये तुम्हारे। सोच लो मियाँ, वफादारी के सिर्फ तमगे मिलते हैं, दौलत नहीं। तुम्हारे मुकद्दर की चाबी खुद तुम्हारे हाथ में है, बस ये ताला खोलो और तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। खुदा खैर करे, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। जिसे जो चाहिए दे दो, गहने कपड़े जेवरात अनाज कुछ भी, बस उन सबसे गुजारिश करो कि हमारे मिर्जा की सलामती की दुआएं करें। जरूर मियां, बेशक ये एक नेक काम है, लेकिन सुल्तान की मर्जी के बिना शाही खजाने से इस तरीके से खैरात बांटना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। क्या मुनासिब है क्या गैर मुनासिब, ये सब हम नहीं जानते। सब इतना जानते हैं कि हमारे दोस्त की जान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं, पर जितना मिर्जा को जानते हैं उन्हें खैरात बांटने से कोई हर्ज नहीं होता। वो तो खुद दौलत इसलिए जुटाते थे ताकि इन गरीबों पर जुटा सके। सुना है दुआओं में बड़ी ताकत होती है, न जाने किस गरीब की दुआ हमारे मिर्जा को लग जाए, वो ठीक हो जाए। भला हो उस नेक दिल सुल्तान मिर्जा का, भगवान करे उसे मेरी भी उम्र लग जाए। कुछ नहीं होगा हमारे मिर्जा को, भरोसा रखो, वो बड़ा दयालु है। अपनी नैया उसके हाथ में सौंप दो, वो जरूर पार लगा देगा, जरूर पार लगाएगा। जल्दी खोल कमबख्त। खोल। ये इतना घबरा क्यों रहे हैं? वक्त नहीं है हमारे पास, कभी भी कोई भी आ सकता है, जल्दी कीजिए। माफ करना मालिका, हाथ तो कांपेगी ना। हम तेरे आदमी से सिपाही, अगर किसी ने हमको देख लिया कि हम आपको रिहा कर रहे हैं तो हमारी तो खैर नहीं मालिक। ये डर ही है जो आदमी की तरक्की के आड़े आता है। अपने डर पर काबू रखिए और हमें भी यहाँ से निजात दीजिए, जल्दी कीजिए। खोलो। बादब बा मुलाहिजा होशियार, वालिदाए सुल्ताना शमशाद बेगम तशरीफ ला रही है। अरे खून क्यों सूख गया तुम्हारा? उन्हें आने में अभी भी वक्त है, हमें जल्दी से यहां से रिहा करो और अपना इनाम पाओ। नहीं मलिका, हमें माफ कर लीजिए। Thank you.
आप यहां कैसे? अरे हम तो भूल ही गए थे, आप हमारा हाल जानने आई है ना। अब एक रिश्ता जो है हमारे और आपके दरमियान है ना वालिदा। अब क्या करें तुर्कन, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, तुमसे मिले बगैर हमें सुकून कहाँ मिलता है। और जहां तक खैरियत का सवाल है तो भले हम भी हैं और भली तुम भी हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये जो बेशकीमती कड़े तुम्हारे हाथों में है ये किस नुमाइश के लिए? अब इस अंधेरी काल कोठरी में इसी की तो चमक है जो चेहरे पर रौनक लाती है। दिल जब मायूस होकर उम्मीद खोता है ना तो इसी के नूर से बीते हुए लम्हों की यादें ताजा कर लेते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, तुम तो कभी झूठ बोलती नहीं हो। यादों के टिमटिमाते चिरागों के अलावा तुम्हारी जिंदगी में अब रोशनी बची कहाँ है? इन कणों की चमक की तरह तुम्हारी जिंदगी की चमक भी अब फीकी पड़ गई है तुर्कन। अब सच सच बताओ, किसका ईमान आजमा रही थी तुम, किसे अपना जमीर बेचने की कीमत अदा कर रही थी? माफ कर दीजिए वालिदा सुल्ताना, हमसे गलती हो गई। ओ, अच्छा 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 अच्छा, तुमने तो बड़े बड़ों का ईमान डगमगा दिया तुर्कन। तो फिर ये इतना सा सिपाही क्या चीज है, इसके ईमान को भी दौलत के तराजू में तोल दिया तुमने। वालिदा सुल्ताना हमें माफ कर दीजिए, इनकी बातों में आ गए थे, मन बहक गया था, पर हम सच कह रहे हैं, हम इन्हें रिहा नहीं करने वाले थे क्योंकि हमने ऐन वक्त पे अपने मन को समझा लिया था। वालिदा सुल्ताना हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर लीजिए वालिदा सुल्ताना। इन गद्दारों का जो भी साथ देगा हमारी नजर में वो भी गद्दार है, ले जाओ इसे और डाल दो इसे कैद खाने में। हमें माफ कर दो वालिदा सुल्ताना, हमसे गलती हो गई, हम अपने आप को रोक नहीं पाए वालिदा सुल्ताना। याद रहे शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन अब अपने जीते जी उजाला कभी नहीं देखेंगे। ये अंधेरा, ये काल कोठरी इनका नसीब है और किसी ने भी अगर इनकी मदद करने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमसे दुश्मनी आपको बहुत महंगी पड़ेगी वालिदा सुल्ताना। अरे बचा ही क्या है आपके पास, किस बात का इतना गुरूर है? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया हमने, आप हमारा क्या बिगाड़ेंगी? मनहूसियत का साया मंडरा रहा है आपके खानदान पे। ये अंधेरे हमारा नसीब सही, लेकिन ये घनेरे साए आप सबको भी निगल जाएंगे ठीक उसी तरह जैसे वो निगल गए आपकी बेटी कुतुब जान को, आपके वली अहद नासिर को। क्या पता कि रजिया भी अब तक मौत के मुंह में जा चुकी होगी, और ना भी गई हो तो क्या खबर कि कितने दिनों की मेहमान है। मिर्जा और रजिया की जिंदगी में ऐसा जहर घोला है हमने कि उनकी मोहब्बत पानी भी ना मांगेगी। तुर्कन झूठ ना बोले, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे।
या मेरे मालिक, तू तो सब जानता है, पता नहीं क्यों हमें एक अनजाना सा डर सता रहा है। हमारे अपनों की सलामती के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं, महफूज रख उन्हें हर बला से, तेरे नूर से रोशन है ये सारा जहां, ये नूर उन पर भी बरसा मेरे मौला, अंधेरों के खौफनाक सायों से हिफाजत कर उनकी, अपने नेक बंदों का तू ख्याल ना रखेगा तो कौन रखेगा, रहम कर मेरे मौला।